उनको उन्होंने बहुत मारा और हम लोग सब अंदर ही थे, बोल रहे थे कि मत मारिए भैया, मत मारिए। लाठी रॉड लेके आके मारना स्टार्ट किए तो अफरा तफरी का माहौल हुआ, भागना स्टार्ट किए। जेएनयू में गुंडागर्दी का आंखों देखा एक एक सच जानिए आप सिर्फ जंजुआर पर। जेएनयू में कब क्या हुआ, कैसे हॉस्टल में घुसे गुंडे, हर जानकारी उन छात्रों की जुबानी जो बने गुंडागर्दी के गवाह। जिनकी आंखों ने जेएनयू में तांडव देखा, हिंसा झेली, जब विचारों की सरगर्मियों के लिए ख्यात जेएनयू बन गया कुरुक्षेत्र। विकास राणा की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं यहाँ पे टी पॉइंट के पास था, लगभग उस समय जेएनयू टीए की यहाँ पे पीस मार्च की एक कॉल थी और उसी समय लगभग काफ़ी सारे स्टूडेंट भी लगभग 500-600-700 के संख्या में स्टूडेंट यहाँ पर एकत्रित हुए थे पीस मार्च को प्रोसीड करने के लिए। उसी बीच में 7 बजे के आसपास करीब पेरियार हॉस्टल की तरफ से लगभग 60-70 लड़के आए, उनके हाथ में डंडे थे, आयरन रॉड थे और वो अपने साथ पत्थर भी लेकर आए थे। जैसे ही वो सब टी पॉइंट पर पहुँचे, करीब 20 मीटर दूर से उन्होंने पत्थरबाजी करनी शुरू की और जैसे ही पत्थरबाजी शुरू हुई सारे के सारे लड़के इधर उधर भागने लगे। उसी बीच में पत्थर एक CSRD के प्रोफेसर हैं उनको उनके सर पर आकर लगी और उनका सर फट गया और फिर सारे लड़के, कुछ लड़के कुछ लड़कियां साबरमती हॉस्टल के अंदर घुस गईं और वो सब धीरे धीरे करके साबरमती हॉस्टल की तरफ बढ़े पूरे उनके मॉब। जैसे ही वो साबरमती हॉस्टल के पास पहुँचे उन्होंने पत्थरबाजी फिर से शुरू की और सारे गेट को फोड़ दिया, जो कि आगे बिल्कुल मेन गेट थी, एंट्रेंस गेट थी, कांच की गेट थी, सारे गेट टूट गए वहाँ पे, सारे कांच टूट गए। कांच टूटने के बाद अगले 2 मिनट के अंदर वो सब हॉस्टल के अंदर दाखिल किए और जिसको भी उन्होंने गेट के बाहर पाया, मीन्स जो गेट के अंदर नहीं घुस सके थे उनको उन्होंने बहुत मारा। अपने आप को बचाने के लिए हम लोग बहुत रूम पे खटखटाए तो लोग हमें बोले कि अंदर आ जाइए, अंदर हम लोग घुस के। इसके बाद जब हम लोग रूम के अंदर घुसे, थोड़ी देर बाद पूरा मॉब बाहर से लाठी और हथौड़ा एसिड बल्ब लेके अंदर आए, फिर हर एक रूम पे लात बात देके दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश किया। अंदर हम जो रूम, जिस रूम पे थे उस रूम पे बहुत सारी लड़कियां भी छुप गई थी डर के मारे, तो हम लोग उन लोगों को वहाँ रखे और तो हम लोग बाहर से बोल रहे थे कि भैया ऐसे मत तोड़िए और गेट हम लोग सब मिलके ऐसे अटकाने की कोशिश कर रहे थे कि वो लोग अंदर ना आ पाए क्योंकि बहुत सारे लोग अंदर थे। तो वो लोग तब चालू किए कि पत्थर अंदर फेंकना शुरू किया, एसिड बल्ब फेंकना शुरू किया, फायर एक्सटिंग्विशर ऑन करके अंदर फेंका और पूरा हम लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, ऐसा हालत था। और उसके बाद हम लोग जब उधर से कुछ नहीं कर पाया तो जब खिड़की था, खिड़की का पूरा शीशा तोड़ के वो लोग अंदर से पत्थरबाजी चालू किया और अंदर हम लोग सिर्फ मतलब निहत्थे खड़े थे, पत्थर आके लग रहा था, कांच टूट के बिखर के हर तरफ फ्लोर में था, सब लोग उस पर चलने गए तो इधर उधर भगदड़ मच गई। रूम पे करीब 7-8 लोग थे तो हाथ पैर सबका कट गया, उधर खून बह रहा था, बार बार एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे थे लेकिन गेट में पुलिस वाले खड़े थे और बजरंग दल के कुछ आदमी खड़े थे जो एम्बुलेंस को भी आने नहीं दे रहे थे। तो एम्बुलेंस फिर हम लोग पुलिस को कॉल किए, पुलिस बोला कि हमें वहाँ घुसने की परमिशन अभी नहीं है। तो इधर इधर अंदर में जो लोग आए, ये लोग घुसने कैसे घुस गए और आप लोग कैसे नहीं घुस सकते अभी, ये हमें पुलिस से तो पूछने की कोशिश किया। बाद में जब पुलिस आया तो ऐसा इतना दहशत का माहौल था कि हम लोग सोचे कि साबरमती अब सेफ नहीं है, तो हम लोग सोचे कि साबरमती से निकल के हम लोग कैंपस के बाहर की तरफ किसी तरह निकल जाएंगे। जब हम लोग फिर से कुछ मैं और मेरा 2-3 दोस्त जब निकलने गए बाहर हम टी पॉइंट के एडमिन ब्लॉक की तरफ, जो टी पॉइंट है उसके पास पहुँचे, तब देखे कि कुछ लोग उधर खड़े थे और रस्ते में जितने भी लोग जा रहे थे, जो है वो बूढ़े हो या लड़कियां हो या लड़के हो, या सभी को पकड़ पकड़ के मार रहे थे और बोल रहे थे कि अभी कैंपस से निकल जाओ, यहाँ रहना नहीं, दिखना नहीं चाहिए। हम लोग वो देख के जस्ट जब दूर से देखे तो जंगल के अंदर घुस गए। जंगल के अंदर हम लोग 1.5 घंटा वेट किए, वो लोग उस 1.5 घंटे में उधर पता नहीं कितने लोगों को मारे, फिर वो लोग धीरे धीरे उधर से चले गए। तो हम उसके बाद फिर से वहाँ से निकले। उधर एक 156 में कश्मीरी लड़का रहता था, उसके रूम को जलाने की कोशिश किया गया। अच्छा, अब उन्हें पता था वहाँ पे कि कश्मीर का। हाँ, क्योंकि यहाँ के जो लोकल AVP हैं वो भी उनके साथ मिले हुए थे ना, बाहर के लोगों को थोड़ी ना मालूम होगा कि कैंपस में कौन से रूम पे कौन रहता था, पूरा टारगेटेड रूम है। फिर वो लड़का अपना जान बचाने के लिए ये पहले माले से कूद के बैल्कनी से कूद के निकल गया, नहीं तो मर जाता वो लड़का यहाँ।
तो सात करीब 7 बजे के आसपास JNUTA का मीटिंग था यहाँ पर टी पॉइंट पे। तो हम लोग सब वहीं खड़े थे, मीटिंग सुन रहे थे। अचानक से गोदावरी बस स्टॉप से करीब 50 लोगों का एक मॉब आया, पत्थरबाजी शुरू हुआ और हमारे प्रोफेसर लोग सामने थे, उन पे ऊपर पत्थरबाजी किया गया। फिर वो लोग लाठी लेके रॉड लेके मारने शुरू किए, तो सारे जो भी वहाँ जितने भी लोग थे सब दौड़ के इस हॉस्टल में साबरमती में घुस गए और अपने आप को सेव करने के लिए बहुत सारे रूमों में घुस गए। फिर वो लोग सब आए और इस रूम हर एक रूम पे नॉक किया और तोड़फोड़ किया, पत्थर डाले अंदर और एसिड बल्ब फेंके अंदर पूरा। जो भी बहुत सारे लड़कियों के विंग में भी मारने की कोशिश किया गया और हम लोग सब अंदर ही थे, बोल रहे थे कि मत मारिए भैया मत मारिए, लेकिन वो लोग सब अंदर से ही लाठी वाठी लेके इधर से देख सकते हैं आप दरवाजे पे कैसे अंदर से पत्थर वत्थर फेंका गया। हम लोग बार बार अंदर से चिल्ला रहे थे, पुलिस को फ़ोन कर रहे थे, CRP मतलब कंट्रोल रूम में फ़ोन किए, कोई फ़ोन नहीं उठाया, कोई नहीं आने मतलब बोल रहा फ़ोन ही नहीं उठाया। और हम लोग अंदर ही थे, फिर एक राउंड वो लोग मार के चले गए बाहर, फिर दूसरी बार वो लोग आए फिर मारे, मतलब ऐसे लगातार चलता रहा। हम लोग कितने दहशत में यहाँ थे और बार बार हमने प्रोफेसर लोगों को सब लोगों को फ़ोन किया, कोई नहीं फ़ोन उठाया। हमारे जो वार्डन साहब थे, चार चार वार्डन यहाँ पर हैं, लेकिन कोई एक बार भी यहाँ से यहीं हमारे साथ हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन कोई एक बार भी दरवाज़ा नहीं खोला। और यहाँ तोड़फोड़ आप देख सकते हैं हर एक रूम पे कैसे किया गया और सब लोग तो सब बाहर के आदमी थे, कोई भी यहाँ का नहीं था। ये सारे बाहर से AVP वालों ने गुंडे बुलाए, बजरंग दल वालों को बुलाए और ऐसे तोड़फोड़ किया। अब बोलिए कि पब्लिक बार बार यहाँ सरकार बोलता है कि पब्लिक पॉवर्टी को नष्ट किया जा रहा है, पब्लिक पॉवर्टी एक नष्ट किया जा रहा है। अब कौन कर रहा है पब्लिक पॉवर्टी को नष्ट? आप देख सकते हैं पूरे JNU में ऐसा माहौल कभी नहीं था, कभी बाहर का लोग आके यहाँ तोड़फोड़ नहीं किया। अब ये दिन आ गया है, बहुत सारे लोग कैंपस में, मतलब लाइब्रेरी हमारा 8:30 बजे से लाइन लगाना पड़ता है रीडिंग रूम में। आज हम लोग सुबह लाइब्रेरी गए, देखे कि 2 आदमी सिर्फ है, सारे लोग मतलब डर के मारे सब लोग कैंपस छोड़ रहे हैं, अभी ऐसा हालत है। आप जब यहाँ पे पहले राउंड में जो मॉब आके आपको साबरमती पे जब हम खड़े थे और जब काफ़ी बड़े संख्या में मॉब वो लोग डंडे लाठी रॉड लेके आके मारना स्टार्ट किए, तो अफरा तफरी का माहौल हुआ, भागना स्टार्ट किए। और उस बीच में एक दोस्त के साथ में, वो काफ़ी सारे लोगों के साथ में भागना हम स्टार्ट किए और हम लोग भागते भागते आपको साबरमती के पीछे से होते हुए सरस्वतीपुरम गेट, इसका एक JNU का है, उस तरफ जाने लगे। सरस्वतीपुरम गेट की तरफ क्या हुआ कि जैसे ही सरस्वतीपुरम गेट के पास हम पहुँचे, बस वहाँ से जस्ट करीब 70 से 80 लोगों का एक मॉब जिनके हाथ में लाठी रॉड था और उसमें 15-16 साल के लड़के भी थे, 45-50 साल के लोग भी थे। उनके चेहरे पे देख के यही लगा, वहाँ हम लोग पहुँचे तो हम लोग तो सबसे पहले उसका शिकार बनते, लेकिन हम लोग इसी चलते बच गए। वहाँ पे एक कैब वाला एंटर किया था, उस कैब का नंबर भी हमारे पास में, अगर आप बोलेंगे तो उस कैब का नंबर, ड्राइवर का नंबर है हमने, तो उसको JNU के गार्ड ने रोका। तो JNU को गार्ड ने रोका कि आप बिना ID कार्ड के नहीं जा सकते। उसने बोला कि हॉर्टिकल्चर JNU का डिपार्टमेंट में वो 3 साल से काम करता है। वो किनारे रुक गया, उसको रोका गया। उसके बाद में क्या हुआ कि हम लोग उसको बोलने लगे कि देखिए सर अंदर अभी मत जाइए, बहुत ख़राब स्थिति है, आपको ID कार्ड दिखाना होगा। वो नहीं माने और उसके वो किनारे गाई किया। उसके बाद में फिर हम लोग उनसे बातचीत करने लगे कि आप इतने पुराने JNU से जब आप बोलते हैं कि 3 साल से आप काम करें तो अभी बात मानिए। और इसी बीच में जब मॉब एंटर करना शुरू किया, हमने कार वाले को बोला कि आप भैया यहाँ से हिलिए मत, बस हमसे आप बातें करते रहिए और उस तरफ देखिए मत। हम लोग गार्ड ने गेट बंद करने का कोशिश किया, गार्ड को उसमें से एक आदमी बोला ए हट, वहाँ से भगाया उसको। और उसके बाद में फिर लगातार 5 से 10 मिनट के बीच में लोग अंदर घुसते जा रहे हैं और वहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा था रोड पे, उसने बैरिकेड खुद हटाया है। ये हम लोग अपने आँख के सामने देखे हैं। वो ड्राइवर का नंबर हमारे पास, उस गाड़ी का नंबर है, उस गाड़ी में 2 लोग बैठे हुए थे, एक कैब ड्राइवर एक और उस आदमी के साथ, हॉर्टिकल्चर वाले आदमी के साथ में, वो चश्मदीद है। और उसके बाद में ये लोग जिनके हाथ में डंडे उंडे नहीं थे, उन लोगों ने अंदर आके टहनी वगैरह तोड़ना शुरू किया डाल से, सब बोल रहे कि एक साथ चलो एक साथ। उनमें से कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा भी दिया 3 बार, लेकिन एक 40 से 50 साल का आदमी होगा वो बोला कि नारा नहीं बोलोगे। विकास राणा की ग्राउंड रिपोर्ट।